कहते हैं इंसान जिंदगी में तभी हारता है जब वह लड़ना छोड़ दे। ऐसा ही कुछ हो रहा था आईएएस अधिकारी बनी इस लड़की के साथ। एक 30 साल की लड़की अपने कमरे में बैठी बहुत ही दर्दनाक पलों के साथ रोए जा रही थी। दरअसल ये लड़की थी आकांक्षा। आकांक्षा के साथ आज उसके आईएएस कोचिंग में बहुत बुरा हुआ था। तभी बगल से उसकी एक दोस्त आकर आकांक्षा से पूछती है, यार हुआ क्या, ये तो बता। इस पर आकांक्षा जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन पूछने पर आकांक्षा ये बताती है, आज क्लास में सर ने सभी बच्चों से एक प्रश्न का उत्तर लिखने को दिया था, जो कि पॉलिटी सेगमेंट से था। सभी ने उत्तर बहुत ही अच्छे लिखे थे, लेकिन मेरा उत्तर बहुत ही खराब था। और सर ने इतना कहकर आकांक्षा फिर से जोर जोर से रोने लगती है। बहुत पूछने पर वह बताती है कि सर ने आज क्लास में मेरे खराब उत्तर को लेकर बहुत कुछ गलत कहा, इतना कह दिया कि तुम यूपीएससी लायक क्या, पटवारी लायक भी नहीं हो, क्यों पैसे बर्बाद कर रही हो अपने माँ बाप के। ये बातें सर ने खुले तौर पर सभी बच्चों के सामने कही थी। दरअसल सर को भी यह पता था कि आकांक्षा की उम्र 30 साल हो गई है, और सर आकांक्षा से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे कि इस लड़की के पास जो बचे हुए तैयारी के 2 साल हैं, उनमें ये यूपीएससी क्या कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं निकाल सकती। दोस्त आकांक्षा को समझाती और अपने कमरे में चली जाती है। अब आकांक्षा अकेली थी और कमरे में लगे भारत के संविधान के पोस्टर को बार बार देखती और रोती। दरअसल आकांक्षा जो 30 साल की हो चुकी थी, उसके पास महज 2 साल और थे तैयारी के, और भारतीय परिवारों की तरह आकांक्षा के घर वाले भी उसकी शादी के पीछे लगे हुए थे। दिल्ली की नामी जानी कोचिंग में आकांक्षा लाखों रुपए देकर दाखिला ले चुकी थी, लेकिन आकांक्षा के पास आज उन लाखों रुपए के बदले कुछ नहीं था। जी हाँ, कुछ नहीं था तो सिर्फ ताने। एक लड़की जिसके घर वाले लगातार महीने के 15,000 रुपए दिए जा रहे थे, वो इस कोचिंग के ताने बाने को सह नहीं पाई और आकांक्षा ने यूपीएससी छोड़ने का मन बना लिया। आकांक्षा ने तय कर लिया था कि वह सुबह घर कॉल कर घर वालों को ये बता देगी। ये सोच आकांक्षा उस रात सो जाती है। सुबह हुई तो उसके मोबाइल पर एक यूट्यूब चैनल के वीडियो की नोटिफिकेशन पड़ी हुई थी। दरअसल ये वीडियो आईएएस ट्रेनिंग लबासना मसूरी में टॉपर्स की मस्ती के थे। आकांक्षा ने पूरी वीडियो देख डाली और फिर रात की बातें सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन लबासना मसूरी की वादियों में टॉपर्स की मस्ती देख आकांक्षा ने ये तय कर लिया कि मसूरी में पड़ने वाली स्नोफॉल यानी कि बर्फ का मजा आकांक्षा लबासना जाकर ही लेगी। जी हाँ, आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी मसूरी लबासना जाकर ही लेगी। लेकिन आकांक्षा के सामने अभी बहुत चुनौतियां हथियार लिए खड़ी थी। पहली तो जिस कोचिंग के भरोसे उसने यूपीएससी जैसे पहाड़ को तोड़ने का फैसला लिया था, वहां से तो पहले से ही वो रिजेक्ट हो चुकी थी। लेकिन आज आकांक्षा ने ये तय कर लिया कि आज से वो कोई कोचिंग नहीं जाएगी, और अब से आकांक्षा ने अपनी आगे की 2 साल की जिंदगी यूपीएससी के नाम झोंक देने को सोच लिया। यही कोई नवंबर का महीना था। आकांक्षा ने इंटरनेट की मदद से सारी बुक्स मटेरियल की लिस्ट तैयार कर ली और अगली सुबह दिल्ली के दरियागंज से सारी किताबें खरीद कर ले आती है। घर वालों का फोन प्रतिदिन आकांक्षा के पास आता है और वह घर वालों से लगातार झूठ बोलती रही कि वह कोचिंग में है। दरअसल आकांक्षा ने इस आईएएस वाले मिशन पर खुद अकेली चल पड़ी थी। यूपीएससी के प्री एग्जाम में मात्र 6 महीने बाकी थे और इन पहाड़ जैसी किताबों को पढ़कर, समझकर, याद कर और लगातार एकाग्रता बनाए रखना आकांक्षा के लिए एक बड़ा टास्क था। लेकिन आकांक्षा ने भी यह ठान लिया था कि एक दिन उसी कोचिंग में जाकर मुझे यह जवाब देना है कि जो काम सर खुद नहीं कर पाए, वो एक कोचिंग की रिजेक्टेड स्टूडेंट ने कर दिखाया।
अब आकांक्षा धीरे धीरे यूपीएससी के सिलेबस को समझकर किताबें पढ़ना शुरू कर देती है और जहां भी कहीं दिक्कत आती आकांक्षा गूगल और इंटरनेट की अप को अपना गुरु बनाकर सहायता लेती। जिस रिजेक्शन के कारण आकांक्षा कोचिंग जाना बंद कर दी थी वह था अच्छा उत्तर नहीं लिख पाना। लेकिन आकांक्षा ने इन महीनों में ना सिर्फ एक स्ट्रेटजी के साथ किताबें पढ़ी बल्कि इन 4 महीनों में आकांक्षा ने 400 से ज्यादा उत्तर लिखने के अभ्यास किए। इन सब को लेकर जून का महीना आ चुका था और यूपीएससी के प्री परीक्षा का भी दिन आ गया। यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का भी दिन आ गया। रोज की तरह आकांक्षा एक्सरसाइज कर बिना कोई प्रेशर लिए यूपीएससी की परीक्षा के लिए निकल जाती है। प्री परीक्षा खत्म होती है और शाम को आकांक्षा घर आती है और अभी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने अपने यूपीएससी परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर जारी कर दिए थे। आकांक्षा अपने उत्तरों को चेक करती है और ये कंफर्म कर लेती है कि उसका प्री क्वालिफाई हो रहा है क्योंकि आकांक्षा के 64 प्रश्न सही हो रहे थे। 1.5 महीने बाद यूपीएससी प्री के नतीजे आ जाते हैं और आकांक्षा प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेती है। लेकिन यह बात वह अपने घर वालों के सिवा किसी को नहीं बताती। अब बारी थी मेंस की, यानी कि उत्तर लिखने वाले एग्जाम की। कहते हैं यूपीएससी में लिखने से ज्यादा जितना लिखोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतने सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आकांक्षा ने लिखने में जी तोड़ मेहनत पहले से ही की थी और अब उसे सिर्फ रिवीजन करना बाकी था कि मेंस की परीक्षा भी आ जाती है और मेंस के एग्जाम खत्म हो जाते हैं। आकांक्षा का जीएस पेपर 4 कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था लेकिन उम्मीदें अभी बाकी थी कि मेंस का रिजल्ट आ जाता है और आकांक्षा मेंस में भी पास हो जाती है और सोचती है कि शायद उसे अन्य पेपरों में अच्छे नंबर मिले होंगे, तभी मेंस पास हुई वह। और अब बारी थी इंटरव्यू की कि इंटरव्यू का भी दिन आ जाता है और आकांक्षा इंटरव्यू देने के लिए यूपीएससी की बिल्डिंग में पहुंचती है। माहौल थोड़ा गर्म था क्योंकि जिस बोर्ड में आकांक्षा का इंटरव्यू पड़ा था कहते हैं वो बोर्ड अच्छे नंबर उम्मीदवारों को नहीं देता। बहरहाल इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं और आकांक्षा यूपीएससी के अंतिम परिणाम यानी कि फाइनल रिजल्ट का इंतजार करने लगती है कि फाइनल रिजल्ट का भी दिन आ जाता है और आकांक्षा सुबह से ही बेचैन हो उठती है। एक ऐसी लड़की जिसे हर जगह से ठोकर मिली उसका यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट का इंतजार करना एक सपना ही लग रहा था कि देर शाम यूपीएससी अपने अंतिम परिणाम घोषित कर देता है और आकांक्षा की नजर पीडीएफ लिस्ट के 149वें नंबर पर पड़ती है। आकांक्षा रोल नंबर और नाम मिलाती और खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश में करती कि एक कोचिंग रिजेक्टेड लड़की ने यूपीएससी में आईपीएस वाली रैंक लाकर इतिहास रच दिया है। आज जब मीडिया वाले आकांक्षा का इंटरव्यू अपने चैनल पर दिखा रहे होते हैं तभी नामी जानी कोचिंग के सर की नजर आकांक्षा के इस इंटरव्यू पर पड़ती है और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यह यकीन नहीं हो रहा था कि आकांक्षा अब सिर्फ आकांक्षा नहीं बल्कि आईपीएस आकांक्षा हो चुकी है। जी हाँ, आकांक्षा ने यूपीएससी की इस कड़ी परीक्षा को पास कर लिया था और ऐसे हजारों लोग जो उसके रास्ते में आए थे, ऐसे लोग जो उसे उसके परीक्षा के उसके लक्ष्य के प्रति ढेर निश्चय से उसे हटा रहे थे, ऐसे सभी लोगों को उसने जवाब दिया। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपको कोई है आपके लक्ष्य के प्रति आपको भटकाता है तो कुछ मत करिए, सिर्फ और सिर्फ कड़ी परिश्रम के तहत कड़ा मेहनत अपनी मेहनत जो है उसमें दिन प्रतिदिन निखार लाइए। आज नहीं तो कल ये लक्ष्य आपके पास होगा। आकांक्षा ने कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल किया। अगर आप चाहते हैं अपने लक्ष्य यूपीएससी पास करना, आईएएस परीक्षा पास करना, तो आज से ही लग जाए। कोई कोचिंग, कोई इंस्टीट्यूट जो लाखों रुपए लेते हैं वो सिलेक्शन की गारंटी कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता। आपको बसरते आपको सारा कुछ आपको करना होता है।
दोस्तों यदि आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज कोचिंग के भरोसे मत बैठिए। ऑनलाइन ऐसी बहुत से रिसोर्सेस आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं। इंटरनेट आज के जमाने में इंटरनेट इतनी तेजी से चीजें वायरल हो रही हैं। आपको घर बैठे टॉपर्स की कॉपी, आपको घर बैठे आंसर कैसे लिखते हैं, सारी रणनीति एक क्लिक कर आपके सामने होती है। आज आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं, कोई लाखों रुपए कोचिंग स्टूडियो में नहीं खर्च करने हैं। किताबें आपके पास हैं, टॉपर्स के इंटरव्यू देखिए, टॉपर्स की कॉपियों को देखिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज का फायदा उठाइए और यूपीएससी में फतह हासिल करिए। दोस्तों यदि आप हमें अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करके रिकॉर्ड बना दें, इतना शेयर करें कि हर यूपीएससी उम्मीदवार के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, हर अगली आकांक्षा के मोबाइल तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। कहते हैं इंसान जिंदगी में